जनपद संभल के चंदोसी में दिवाली को देखते हुए उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी ने लाइसेंस धारक पटाखा वालों के गोदाम चेक किए। प्रदेश भर में हो रहे हादसों को देखते हुए जनपद संभल के चंदोसी में प्रशासन सतर्क हो गया है। आज उप जिलाधिकारी महेश प्रसाद दीक्षित और पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह ने नगर के प्रमुख लाइसेंस धारक पटाखा व्यापारियों के गोदामों को चेक किया। इस विषय में पुलिस क्षेत्राधिकारी चंदोसी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि दिवाली के त्योहार और उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुपालन में आज नगर के लाइसेंस धारक पटाखा व्यापारियों के लाइसेंस तथा गोदाम चेक किए गए, जो कि संतोषजनक मिले। साथ ही इन्हें निर्देश दिए गए कि फुटकर व्यापारियों को तब तक पटाखे न बेचें जब तक कि वे फुटकर लाइसेंस न दिखा दें। इसमें जो दीपावली का त्यौहार नजदीक आ रहा है, इसमें अपने उच्च अधिकारियों को निर्देशानुसार हम और SDM साहब जो हमारे यहाँ चंदौसी में लाइसेंसी पटाखे की दुकान है, उनका हम लोगों ने पहले तो लाइसेंस चेक किया। लाइसेंस तो अभी फिलहाल सबका वैध है, 2022-2023 तक है। उनके जो उसमें नियतन है कि कितना किलोग्राम इनको पटाखा रखना है और फुलझड़ी रखना है, उसको हम लोगों ने चेक किया। अभी ये संतोषजनक मिला है और इनको निर्देशित किया गया है कि अगर इनके दुकान से, क्योंकि ये थोक विक्रेता है, तो इनके दुकान से जब तक कोई फुटकर लाइसेंसी नहीं दिखाएगा तब तक ये दुकान, ये अपना पटाखा उसको नहीं देंगे। अगर वो देते हैं और चेकिंग करने पर जब पकड़ा जाएगा तो फिर इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। इसलिए इनको स्पष्ट मना किया गया है कि जब तक फुटकर वालों का लाइसेंस न बन जाए उनको आप लाइसेंस पटाखा नहीं देंगे, और जिससे उनका अवैध रूप से वो बिक्री नहीं होगा। इस संबंध में इनको पूरी तरह से दिशा निर्देश दे दिया गया है।